तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से आज हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभु के सुंदर वचनों को मनन चिंतन के लिए। आज के मनन चिंतन का विषय है संत मती रचित सुसमाचार से अध्याय 6 पद संख्याएं 7-15 तक। आज जीवन में मनुष्य के लिए सबसे कठिन क्या है? आज का जो युग है, आज का जो परिवेश और समय है, उसमें मनुष्य के लिए सबसे कठिन है दूसरों के पाप क्षमा करना। आप सोच रहे होंगे दूसरों के पाप क्षमा करना तो कितना आसान है। जी हां, दूसरों के पाप करना आसान है, परंतु उससे उस प्रकार माफी मांगना सबसे कठिन। क्या मैं किसी व्यक्ति से अपने पापों के लिए माफी मांग सकता हूं? इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रभु येसु क्रिस्त ने हम सभी के लिए एक सुंदर प्रार्थना प्रस्तुत की, जो हम सभी हमेशा बोलते आए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और इस प्रकार हम इस प्रार्थना को रोज बोलते हैं, परंतु इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह यह है कि हम जिस प्रकार अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यही सबसे कठिन और मुश्किल कार्य है कि हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। बोलने में काफी आसान लगता है, मैंने तुम्हें क्षमा किया, परंतु हृदय से इस बात को निकाल पाना कि हाँ वास्तव में मैंने तुम्हें क्षमा किया बहुत ही कठिन है। हम हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परंतु यह जो 2-3 पंक्तियां हैं हमारे व्यवहार के विपरीत चलती है, हमारी वाणी के विपरीत चलती है। हम आसानी से इस प्रार्थना को बोल लेते हैं, परंतु पूर्ण हृदय से इसे अपने जीवन में चरितार्थ नहीं कर पाते। बहुत मुश्किल होता है दूसरों को क्षमा करना, क्योंकि वह हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं होती है उसके लिए जवाबदार होते हैं, और इसीलिए हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते। प्रभु येसु क्रिस्त ने सुंदर प्रार्थना को दिया है ना केवल रोज इसे बोलने के लिए, बल्कि अपने संपूर्ण जीवन में चरितार्थ करने के लिए। जिस प्रकार हम अपने भोजन प्रभु से मांगते हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन में इस चीज की अनुभूति करें कि प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए हैं, तो उसी प्रकार मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि मैं लोगों के अपराध क्षमा करूं। तभी यह सुंदर प्रार्थना अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगी, अन्यथा यह हमारे लिए एक उसी प्रकार का दैनिक कार्य होगा जैसे हम सुबह उठते हैं और दिन भर के कार्य के बाद रात को सो जाते हैं। हम उसे यूं ही बोलते रहेंगे, बिना किसी भाव के, बिना कुछ सोचे समझे, उसका अपने जीवन में कुछ भी लाभ नहीं होगा। यदि प्रभु हमारा जो हमें अन्न देता है, हमारे प्रतिदिन का आहार देता है, ये तभी संभव है कि हम उसे सच्चाई से माने, केवल अपनी जुबान से प्रार्थना के रूप में नहीं, बल्कि अपने हृदय से अपने जीवन में उसे स्वीकार कर सच्चे हृदय से लोगों को क्षमा करना सीखें। तभी वास्तविक रूप से प्रभु येसु क्रिस्त मेरे और आप सभी के पापों को क्षमा करेंगे। हम यूं ही बोलते रहें कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, तो हम अपने हृदय में यही सोच कर बैठे रहेंगे कि हमारे अपराध क्षमा हुए हैं, परंतु वास्तविकता में हम अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु येसु क्रिस्त ने मुझे और आप सभी को यहाँ पर इस स्थान पर एकत्र किया है कि हम सभी शुद्ध हृदय से अपने हृदय में पाप क्षमा के लिए उस बोध को जगाएं, दूसरों के पापों को अपने हृदय से क्षमा करें।